जिस तरीके के कहीं भी हो, जहाँ पे अलग अलग राज्यों के अंदर भाजपा की सरकार है और एसएस की सरकार है, वहाँ पर आप देख रहे हो लगातार आए दिन ये दो घटनाएं सामने दिख रही हैं। पहली घटना कि आज उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ है, आज वहाँ पर गैंगरेप केस हुआ है, आज वहाँ भीड़ के नाम पर मारा गया है, आज वहाँ पे चोरी के नाम से भीड़ तंत्र पे मार दिया गया है, कहीं मॉब लिंचिंग के है। ये दो घटना के अलावा और देश के अंदर कोई विकास का काम नहीं है, कोई सुरक्षा का काम नहीं है। क्या ये मोदी सरकार इसी तरीके का राष्ट्र बनाने की बात कर रही है? हमें कतई मंजूर नहीं है ऐसे राष्ट्र को कि जो मोदी सरकार आए दिन लगातार महिलाओं के साथ यौन हिंसा करवा रही है। चाहे मध्य प्रदेश की सरकार देख लीजिए, आज सरेआम लड़कियों के साथ मारपीट की घटनाएं हो रही है, रेप की घटनाएं हो रही है। हम ये कह रहे हैं कि ये जो महिलाओं को सुरक्षा देने का वायदा कहाँ चला गया? मोदी की सरकार और खट्टर की सरकार जवाब दो। अरे वो उस गांव के एकदम पिछड़े हुए गांव की लड़की है जो वो बाहर निकल कर अपनी पढ़ाई करने के लिए निकली, और आपको मालूम है कि वो 10वीं क्लास जब पास की थी वो अव्वल आई थी और उसको राष्ट्रपति अवार्ड दिया गया था। ये हाल है जो एक तरफ राष्ट्रपति अवार्ड बच्चियों को दे रहे हैं और दूसरी तरफ वही सरकार उनके साथ गलत काम हो रहा है तो उनको शरण देने का काम ये सरकार कर रही है। तो आवाज़ दो।